हुआ क्योंकि हमें लगभग 3.5 साल हो गए यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देते हुए गुरुद्वार ज्ञान बोधनी के लिए। जब पहले कोई और सरकारें थी तब ये कहा गया था कि जब दूसरी सरकार आएगी तो, अब तो केंद्र में उत्तर प्रदेश में और हमारे उत्तराखंड में सब में एक ही सरकार है, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा, तो ये हमें एक तरह से वो झुठला रहे हैं, मतलब आगे कुछ कहते हैं और पीछे कुछ करते हैं। अभी तक भी आज हमारे सारी संगठनों में बहुत ज़्यादा रोष, जिस वजह से हमने रोष मार्च निकाला और हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये सरकार इसके ऊपर कदम उठाए, क्योंकि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और सबने पूरे विश्व में 550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया तो गया, पर जो गुरु नानक देव जी की मूल स्थान है, जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण दो स्थान है, वो अभी तक नहीं दिए, तो हमें मनाना उसमें कोई सफल नहीं लग रहा। जब तक हमें वो स्थान प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम मनाया हुआ सफल नहीं मानेंगे, तो फिर और उग्र आंदोलन करेंगे अगर नहीं बात मानेगी। बहुत समय हो गया हमें शांतिपूर्ण ये ऐसे प्रदर्शन करते हुए।